खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां नरसिंहपुर में एक बार फिर राजनीति गरमाई है। नरसिंहपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा और एनपी प्रजापति ने वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा पर देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनाया। दरअसल नरसिंहपुर में हॉकी भारतीय टीम के खिलाड़ी विवेक सागर का सम्मान समारोह था। इसी सम्मान समारोह में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति शामिल हुए। कार्यक्रम के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए जहां एक ओर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि किस बात की जन आशीर्वाद यात्रा, महंगाई बढ़ रही है, खाने का तेल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और भाजपा कहीं उत्साह मनाओ तो कहीं आशीर्वाद यात्रा। वहीं जन आशीर्वाद यात्रा पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि जनता का आशीर्वाद लेना अच्छी बात है, लेकिन आशीर्वाद के साथ काम भी करे तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह विवेक कृष्ण तन्खा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक राजनीतिक नसीहत दी। लेकिन आशीर्वाद तो हमको हर समय लेना चाहिए जनता का, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर आशीर्वाद के साथ आप अच्छा काम भी करोगे तो जनता उसको अप्रिशिएट करेगी। काहे की जन आशीर्वाद यात्रा? डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही, खाने का तेल बढ़ रहा, दाल महंगाई हो रही है, बोले जन आशीर्वाद यात्रा। कभी बोलते उत्सव मनाओ, कहीं आशीर्वाद यात्रा। अरे जरा लानत खाओ, शर्म खाओ, है महंगाई बढ़ा रहे हो, हर चीज के भाव बढ़ा रहे हो, काय की जन आशीर्वाद यात्रा। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए नरसिंहपुर से सतीश दुबे की रिपोर्ट।